अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ नेशनल मार्केट में और ये आप सामने देख रहे होंगे, ये बैटरीज सारी आपको नज़र आ रही होंगी, उनके कवर हैं और बैटरी शॉप पे मैं लेके आया हूँ कार्स की बैटरीज। और यहाँ खड़े होने का मकसद ये आपको बताने का कि ये देख लें, ये सारी पार्किंग है, 3 से 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ आराम से यहाँ पर लग सकती हैं, इसके अलावा वहाँ पर भी लग सकती हैं, कोई ख़तरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। नई गाड़ी भी आपकी हो तो आप यहाँ पे आराम से आके अपनी बैटरी चेंज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ये देख लें, वैरायटी आपके सामने है, बेशुमार है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ड्राई बैटरी है, लिक्विड बैटरी है, फिर ये यूपीएस बैटरी है, हर साइज़ की 250, 215, 245, 200, 190 हर साइज़ की यहाँ पर बैटरी मौजूद है, हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। ये देख लें, बहुत अच्छी शॉप है, ऑनलाइन भी आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है सर, आप सुनाए। सर आपकी हमने यूपीएस की भी वीडियो की, ड्राई बैटरी की भी की, अभी हमें पूछने हैं आपसे लिक्विड बैटरी का। जी, लिक्विड बैटरी जो गाड़ियों में चलती है मेरान से लेके बड़ी गाड़ियों तक, जी, इन सब का क्या प्राइस चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं, ये हमें जरा बता दें साइज के मुताबिक ना। सर ये फनेक्स की है, 55 साइज की। अच्छा, ये किस गाड़ी में होती है? ये मेहरान में जाती है, सिटी में भी लग सकती है, जो दूसरी गाड़ी हर गाड़ी में तकरीबन लग जाती है, जो बड़ी गाड़ी है उसमें मकसद 65 और 70 की लग जाती है, ठीक है ना। ये लिक्विड वाली बैटरी होती है और इसमें 70 आती है वो बड़ी गाड़ी में लगती है, फिर इसके अंदर 60 आती है 11 प्लेट में, वो छोटी गाड़ी सिटी और इसमें लग जाती है। ये कितने की है, 55 वाली? ये 55 वाली सर है, ये 10,500 की है। 10,500 रुपए की ये बैटरी है। और इसके अलावा दूसरी ये AGS, ये भी लिक्विड है? नहीं, ये ड्राई बैटरी है। अच्छा, नहीं ड्राई नहीं, आप लिक्विड है मैं बताएं सिर्फ। और इसमें AGS की है, ये लिक्विड वाली है सर, ठीक है। और इसकी प्राइस है 10,500, ठीक है, ठीक है। ये भी AGS की है, ठीक है, ये 7 प्लेट में है, इसकी इसकी प्राइस है 9,000। अच्छा, वो कितनी प्लेट है? वो 9 प्लेट है और ये 11 प्लेट है, और साइज इनका दोनों 50 है। साइज दोनों 50 है लेकिन ये 7 प्लेट में है। अच्छा, इससे और उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ये सर इसके एम्पेयर कम है, उसके एम्पेयर ज्यादा है, ठीक है। अगर मकसद गाड़ी की पावर ज्यादा है तो उसको उसमें ये लगाएंगे, अगर मकसद छोटी है रक्षा वगैरह, ये रक्षा वगैरह में भी लग जाती है, तो ये छोटी गाड़ियों के लिए। अच्छा, दूसरी लिक्विड जो है ये वोल्टा की है, 50 वाले, ये 10,500 की है, ठीक है, ठीक है सर। इसकी मकसद इसके 34 एम्पेयर हैं और ये छोटी गाड़ी में लाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद आ जाए आप इस तरफ, ये 11 प्लेट में है, ठीक है, और इसकी इसकी प्राइस है 12,500, सही है, ठीक है। इसके एम्पेयर 40 होते हैं। और ये ओसाका वगैरह में नहीं आती लिक्विड? ओसाका में वोल्टा में है ये। अच्छा, ये 12 प्लेट में है। ये कितने वाट है? ये मकसद 70 होती है इसका कोड। अच्छा, ठीक है ना, 12 प्लेट में है, 50 एम्पेयर होंगी ये, ठीक है। और ये आपको मिलेगी 14,500 की। 14,500 रुपये, ठीक है। अच्छा लिक्विड, ये जो आपने साइज अभी मुझे बताए हैं, इनमें कोई भी बड़ा साइज चाहिए हो वो भी मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, हर किस्म की बैटरी मिलेगी आपको। अब एक चीज मैंने और पूछनी है कि जब कस्टमर आता है आपके पास, कोई और बैटरी लगी होती है, जी जी, फर्ज करो ड्राइवो ड्राई लगी है, वो बोलता है कि भाई ये मेरी चेंज कर दो, जी जी, और मुझे लिक्विड दे दो, तो वो बीच में कटिंग कर लेते हैं? वो मकसद वो माइनस हो जाती है, जितनी प्राइस की होगी स्क्रैप का रेट होगा उसके हिसाब से वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये तकरीबन 4-5 दिन का रेट होता है, अब जब रेट चेंज होंगे तो फिर नए रेट के बाद अगर यही रेट है तो उसी रेट पे मिलेंगे। और जब बंदा आता है गाड़ी लेके, अगर फर्ज कर लो किसी को शक है कि मेरी गाड़ी का बैटरी कमजोर है, जी जी, तो वो आप चेक कर सकते हैं, चेकिंग का आपका साथ सारा मीटर रखे हुए हैं, मीटर लगा के चेक करते हैं, वो अगर बैटरी के अंदर फॉल्ट हो तो बता देते हैं कि आपकी बैटरी में फॉल्ट। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसमें क्या नाम है जनरेटर में फॉल्ट हो, वो भी पता चल पता देते वो भी पता चल जाता है। लेकिन तो ज्यादातर तो रिपेयर के लिए चेंज करने ही आते हैं लोग, चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ कि अगर कई दफा होता है ना कि बंदा कहता है कि भाई मैं चेक कर लो कि कहीं 2 महीने निकाल जाए, अगर नहीं निकालती तो फिर तो उसने बदलनी फिर चेंज करनी पड़ती है। बेहतरीन हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।